नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चीन के मंगल मिशन के बारे में जिसका नाम है तियानवेन वन। तो चलिए चर्चा करते हैं तियानवेन वन क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ना पता हो तो आज शाम को जो हमारी सीरीज चलने वाली है जियोग्राफी की, आज शाम को जो हमारी जियोग्राफी की सीरीज चलने वाली है इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा शाम को 7 बजे। और चलिए हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है चीन का मंगल मिशन। बीते गुरुवार को चीन ने मंगल ग्रह पर अपना एक रोवर लॉन्च कर अमेरिका के साथ होने वाली अंतरिक्ष की दौड़ में भी अपना नाम शामिल कर लिया। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपना खुद मतलब जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसने जो है अपना एक खुद का रोवर 30 जुलाई को लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात ने भी मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था। दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात है वो भी मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था, उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, मैं एक दो दिन में बना दूंगा। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे तो सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था। हालांकि यह मिशन मंगल ग्रह की सतह पर न उतरकर महज उसकी कक्षा की परिक्रमा करेगा और मंगल के वातावरण का परीक्षण करेगा। तो बता दें कि चीन पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन वन रखा गया है जिसका मतलब होता है स्वर्ग के प्रश्न। गौरतलब है कि पूर्व में इस मिशन का नाम हुआंगसिंग वन रखा गया था। चीन के इस अंतरिक्ष यान में एक आर्बिटर और एक रोवर मौजूद है। इस मिशन का मकसद मंगल की सतह की मिट्टी का परीक्षण करना है। इस अंतरिक्ष यान का वजन 5 टन है। इसे लॉन्ग मार्क 5 रॉकेट से चीन के सिचांग से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह की बनावट और इसकी भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करना है। इसके साथ साथ तियानवेन वन लाल ग्रह की कक्षा में 2021 के फरवरी माह में पहुंच जाएगा। रोवर मंगल ग्रह पर मई माह में उतरेगा। इस ऑर्बिटर में अत्यंत उच्च क्षमता वाले कैमरे लगे हैं जो यूटोपिया प्लंटी क्षेत्र में उतरने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस ऑर्बिटर का भार तकरीबन 240 किलोग्राम है और ये अपने साथ कैमरे, सब सरफेस रडार, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेमीटर और वातावरणीय सेंसर लगे हैं। नासा के नए रोवर परसेवेरेंस के जरिए मंगल ग्रह पर उतरने लायक परिस्थिति और अतीत में वो मौजूद सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। मिशन के दौरान एक मंगल ग्रह के एक साल जो पृथ्वी के 687 दिन के बराबर है, यह मंगल ग्रह की चट्टान और यहाँ की मिट्टी के नमूने लेगा। चीन मंगलयान के रोवर में कुछ खास तरह के उपकरण लगे हैं जिनका काम आंकड़े इकट्ठे करना, मौसमी घटनाओं का विश्लेषण करना, जिससे भविष्य में मानव मिशन की योजना बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन पैदा करने में आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिएगा, परसेवरेंस के मार्स की सतह पर 18 फरवरी 2021 तक सतह पर उतरने की उम्मीद है। नासा का क्यूरोसिटी रोवर पहले से ही मंगल ग्रह की 2012 से छानबीन कर रहा है। हालांकि यह मिशन अपनी अवधि पूरा कर चुका है लेकिन फिर भी यह सक्रिय है। तकरीबन 50 साल से अमेरिका और रूस ने अंतरिक्ष के अन्वेषण में अपना दबदबा बनाकर रखा है। मंगल ग्रह की दौड़ में चीन के शामिल हो जाने के बाद आगे आने वाली तकरीबन आधी सदी तक अमेरिका का दबदबा कायम हो जाएगा। चीन ने अंतरिक्ष में साल 2003 में मानव भेजा था। चीन ने 2022 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने की योजना बनाई भी है, बनानी शुरू कर दी है। चीन ने चांद पर अपने 2 रोवर भेज दिए हैं। चीन ने रूस की साझेदारी में साल 2011 में मार्स पर भेजे जाने की योजना बनाई थी लेकिन इसका प्रक्षेपण असफल रहा। हालांकि चीन के प्रवक्ता का कहना है कि उनके मंगल मिशन का मकसद अंतरिक्ष और उसके रहस्यों के बारे में जानना है, ना कि किसी देश की से किसी होड़ लगाना है।
तो जी हाँ दोस्तों, तो ये था जो है पूरा मंगल मिशन के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज शाम को 7 बजे से जो आपकी जियोग्राफी खेलो और जीतो प्रतियोगिता शुरू होने वाली है उसमें जरूर हिस्सा लें। और 1, 2 और 3 अगस्त को जो सीरीज चलेगी वही प्रश्न 4 अगस्त को पूछे जाएंगे, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।